हेलो एवरीबॉडी, एसी की तेजी की जाएगी आज, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट में बेसिक मैथ पढ़ रहे थे आप, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको करंट की वैल्यू दे दूं 4 sin 100 pi t, ये करंट है, ये साइनसॉइडल वेरिंग करंट है कि नहीं। तो भाई अभी मैंने कहा यार इसकी जो मुझे जो है पीक वैल्यू बताओ करंट की, पीक वैल्यू, और मैंने कहा भाई इसकी जो है मुझे आरएमएस वैल्यू भी बताओ, तो आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे, बताए पीक वैल्यू। पीक वैल्यू 4 एम्पियर बता देंगे आप, तो आपने कही तो 4 एम्पियर आ गई। और आरएमएस वैल्यू क्या बताओगे, 1/√2 ऑफ आई नॉट, मतलब पीक वैल्यू का 1/√2 टाइम्स आएगा, यही कह रहे हो, पक्की बात है। तो ये आ जाएगा आपके पास 2√2 एम्पियर, इसमें कोई दिक्कत है ना है? नहीं। अभी मैंने कहा अच्छा ऐसा करो, आई एक दूसरा एक आई इज इक्वल टू 5 cos 100 pi t प्लस 30 डिग्री, ये आपको दे दिया गया। मैंने कहा भाई जी पीक वैल्यू बताओ, पक्का? तो आपने कहा 5। मैंने कहा नहीं आरएमएस वैल्यू बताओ, आरएमएस वैल्यू क्या बताएंगे इस बार, ना बताएंगे कहे है? कॉस के फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए हमेशा 1/√2 आएगा, साइन के फंक्शन का आरएमएस वैल्यू कंप्लीट साइकिल के लिए 1/√2 आएगा, साइकिल कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, हो रही है ना, कंप्लीट करोगे तुम पूरी साइकिल, तो साइकिल पूरी के लिए बताते हैं उसने, या तो फिर टाइम इंटरवल दे तो फिर हम इंटीग्रेट करेंगे, नहीं तो हम ना करेंगे, है कि नहीं। और अगर उसने सीधे आरएमएस वैल्यू बोला है तो हम क्या करेंगे, साइकिल के लिए बात करेंगे, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो कितना आ जाएगा भाई, 5/√2 एम्पियर, इसमें दिक्कत तो ना है, नहीं कोई वहां 30 डिग्री देख के कह लगे बस इसको मैं नेगेटिव नहीं होने देना, अपना पता लगा पॉजिटिव हो जाता अगर 5/√2 लगा देते, याद रखना ये बात, गलती नहीं होनी चाहिए। अभी मैंने कहा भाई जी एक और एग्जाम्पल ले लिया, ले लो 4 sin 100 pi t प्लस 3 cos 100 pi t, मैंने कहा पीक वैल्यू बताओ भाई, पीक वैल्यू कहने लगे ये हम नहीं बताएंगे साफ बात है, 1/5 हाँ जी कैसे पाइप पेचे, अच्छा इसका मैक्सिमम वैल्यू होता है क्या कुछ, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का, ए साइन थीटा प्लस, अच्छा ऐसा कुछ होता है यार, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का पीक वैल्यू, ऐसे मैक्सिमम वैल्यू, पीक वैल्यू का मतलब मैक्सिमम वैल्यू होता है, सही बात है। तो आप ऐसे सीधे चिपका दोगे, कहोगे √a² + b² बात हुई खत्म, 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर 16 9 25 5 5 इज राइट, ये तो यार सही है एकदम मस्त एकदम, है कि नहीं, बिल्कुल यार ये तो सही। तो मैंने कहा इसकी आरएमएस वैल्यू और बता दो, आरएमएस वैल्यू 5/√2 पक्की बात, आई अरे बता दो तुम 5/√2 पक्की बात है, फिर तुम्हें शंका होगी, इस बार इनको लघु शंका नहीं है दीर्घ शंका है, अरे 5/√2 आएगा कि नहीं, कहने लगा पता नहीं भाई जब कैसे आएगा, कसम से एकदम दिमाग खराब हो रखा है, 5/√2 आएगा, ठीक है। अब समस्या ये है कि भाई साहब समस्या बहुत ज्यादा है ना, इसको अब क्या करें, अब इसको ये कैसे, अरे ऐसे ऐसे कब तक काम चलाएंगे, कहने लगा वो फॉर्मूला नहीं पता होता तो हमारा तो गेम खत्म हो गया होता, नहीं तो हमने कहा भाई इसका मतलब है कि गणित कमजोर है ना,
तो हमने कहा गणित कमजोर है तो चलो एक नई गणित बनाते हैं जो आसान हो, है ना, नई वाली मैथ्स, नई मैथ्स पढ़ेंगे अपन, क्योंकि पुरानी वाली में तो मतलब एकदम पेट खराब हुआ जा रहा है ना। अब ध्यान से देखना भाई जी, बहुत ध्यान से देखना। देखिए क्या एक 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 बहुत बेसिक मैथ्स है छोटी सी, जिसको कहते हैं लोग फेजर मैथ्स, फेजर सुना है भाई, भाई भाई वाली, उसमें कुछ होता होता नहीं है, कहना कुछ नहीं होता उसमें, है ना, लेकिन वो मजा एकदम बढ़िया, एकदम सब फटाफट कर देती है। अब उसको समझना कैसे, समझना अभी जैसे मान लो आपको कोई करंट ऐसे दे रखी है, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री, सपोज ऐसे दे रखा है। अब हम इसको फेजर में शो करेंगे, किसमें, फेजर, फेजर मैथ्स आपको दिखाएंगे, ध्यान से देखना। आप फेजर मैथ्स में क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है और एक फिक्स्ड लाइन होती है, बस दो चीजें होती हैं उसमें, एक फिक्स्ड पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन। अब जिस भी क्वांटिटी को, जो साइनसोइडल टाइप की क्वांटिटी होती है ना, जो साइन कॉस वाली, उनमें क्या करते हैं, ये इसको उठा लेते हैं, इस टर्म को, आई नॉट को, और आई नॉट को उठाया, जैसे मान लो आपने यहां से यहां तक आई नॉट की लंबाई, मान लो मैंने आपको ऐसे दे रखा है 5 sin ωt + 30 degree, ठीक है, तो 5 इसलिए दी ताकि आपको समझ में आए बात। तो मैंने कहा भाई इसमें करते क्या है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, इससे यहां से 5 यूनिट का एक ऐसे लाइन खींच लेते हैं, फिर एक सर्कल बना लेते हैं 5 यूनिट का, इसे ऐसे सर्कल बना लिया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, यहां तक कोई दिक्कत। अब हमने कहा किसी समय टी पर इस करंट को दिखाना है, अगर किसी समय टी पर दिखाना है तो उसको 5, जैसे ये यहां पर दिखाएंगे, ये जो एंगल आप दिखाओगे ये एंगल होगा आपका ओमेगा टी प्लस वट एवर इट इज 30 डिग्री, तो ये हो गया 5 हो गया। अब होता क्या है कि जो आई है वो ये है, देखिए आपको ये एंगल हो गया, तो ये 5 cos गया, ये 5 sin आ गया, आप समझिए इसमें खेलने कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है, हेलो, क्या पक्का। अब देखो क्या करते हैं लोग, इसको और आसान करते हैं, वो कहते हैं आप फेजर टी इज इक्वल टू 0 पर बनाओ, कब बनाओ, तो मैंने कहा देखो एक फिक्स पॉइंट बना लेंगे, एक फिक्स लाइन बना लेंगे, टी इज इक्वल टू 0 अगर इसमें रखोगे तो एंगल कितना आएगा, 30 डिग्री। तो मैंने कहा कुछ नहीं करना यार, ये 5 यूनिट ऐसे दिखाओ पीक वैल्यू, और यहां पर एंगल दिखा दो 30 डिग्री, ये कब का फेजर है, टी इज इक्वल टू 0 का है। उसने कहा नहीं थोड़ा ओमेगा टी थोड़ा समय और ले, तो हमने कहा ओमेगा टी और घुमा ले उसको, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, पक्का नहीं है 100% एकदम समझ में आने वाली बात, ये इसमें कोई दिक्कत किसी को, इसमें ये जो वैल्यू दिख रही है कौन सी वैल्यू है, पीक वैल्यू, और ये वाला जो इधर कॉम्पोनेंट आएगा ये कौन सा वैल्यू है, नहीं 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 वो उस समय इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये समय के फंक्शन है ना, तो जैसे ये मान लो इस मोमेंट पर 5 t = 0 पर 5 की वैल्यू क्या आएगी, कोई आपसे पूछे करंट की वैल्यू, t = 0 रखो करंट की वैल्यू बताओ, तो साइन 30 कितना होता है, 1/5/2, तो ये 5/2 दिखेगा यहां पर आपको, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है उस मोमेंट की, ये कौन सी वैल्यू है, ये पीक वैल्यू है, कोई दिक्कत है इसमें, और पीक वैल्यू आ गई तो आरएमएस में कोई इशू ही नहीं है, क्या है, नहीं ये बात क्लियर रहेगी, एकदम अच्छे से समझ में आ रही बात, ठीक है। तो भाई इस बार फिर से देखना, ठीक है, अभी देखो मेरे को एक फंक्शन दिया गया था यहां पर, और मेरे से पूछा गया था कि इसकी पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू बताओ, तो इसमें तो दो चीजें हैं, एक 4 का है और एक 3 वाला है, तो मैंने कहा यार कैसे बनाएंगे अब इसको, t = 0 पे बना लें, बना ले ना, तो आपने कहा देखो पहले एक फिक्स्ड पॉइंट बना लो, एक फिक्स्ड लाइन खींच लो, मैंने कहा खींच ली तो खींची खिंचाई है, t = 0 रखोगे इसमें तो एंगल साइन 0 होगा, तो ये तो 0 डिग्री पर बन जाएगा वेक्टर, वेक्टर बोल देते हैं इसको लोग, आपको पता है कि वेक्टर वेक्टर नहीं है, मतलब इसको वेक्टर बोलना कोई दिक्कत नहीं, एक 4 का ये आगे इधर आ गया 4 वाला, अब मैंने कहा ये ठीक है 4 वाला 0 डिग्री पर, और इसमें अगर आप देखोगे तो कॉस कितना आएगा, टी 0 पुट करोगे तो कॉस 0 है, कॉस 0 मतलब साइन 90, कॉस 0 मतलब
साइन 90। तो मतलब आप इस तीन वाले को इधर दिखाओगे, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। सारे जी एंगल जो दिखा रहा है वो साइन वाला एंगल है ना, साइन वाला एंगल लेते हैं। तो अगर कॉस वाला है तो समझ गया बात को, साइन 90 में कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। तो मैंने कहा यार अब लेकिन भाई साहब अगर एक व्यक्ति ये है और एक ये है तो इनका रिजल्टेंट अगर आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, कितना दिखेगा? इसमें दिक्कत है नहीं, आपने इसमें कोई दिक्कत नहीं, पांच हो गया। मैंने कहा ये तो ठीक है, पांच हो गया, यहां तक तो ठीक है, पांच तो ठीक है। एंगल बताओ, पक्का साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो 3/5 37 ही होता था। तो मैंने लिखा साइन 37 इस समय इस आई की वैल्यू टी इज इक्वल टू 0 पर इतनी आएगी, देख लो आप सॉल्व करके देख लो, आपको विश्वास लग रहा है। साइन 37 होता है 3/5 मतलब 3 आएगी वैल्यू। उसने कहा नहीं जी टी इज इक्वल टू 0 फिर तो माना ये पसंद नहीं है मेरे को। उसने कहा टी इज इक्वल टू टी पर बताओ यार, ऐसे थोड़ी मजाक चल रहा है। तो मैंने कहा टी इज इक्वल टू टी पर चाहिए तो लिख लो इसमें क्या है, साइन ओमेगा टी प्लस 37। अब ओमेगा की वैल्यू आपको 100 पाई दी, 100 पाई रख ली, तो ये जनरल वैल्यू आ गए। फंक्शन पूरा का पूरा फंक्शन इसमें बदल गया। इसमें आपने कोई वाली ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ज्यादा थोड़ी लगाई है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थोड़ी लगाया था, दिख गया अपन को ये तो वैसे। तो अभी आप इसकी वैल्यू बता सकते हो ऐसे कन्वर्ट करके, ठीक है ना। और इस समय इसका जो टी इज इक्वल टू 0 पर फेज एंगल है वो भी बता दोगे, 37 डिग्री आएगा, मुश्किल नहीं, ये बात कर लेंगे अपन, ठीक है, बढ़िया, नोट कर ले, ठीक है। तो थोड़ी मैथ सीख गए कि नहीं सीख गए? सीख गए, ठीक है। थोड़ी पेजर वेजर सीख गए अपन, थोड़ा पेजर सीख गए, थोड़ा बिना पेजर के कुछ कर लेंगे अपन जिंदगी में, है ना। अभी जैसे मान लो मैंने आपको दे दिया I इज इक्वल टू 3 + 4 साइन ओमेगा टी, 3 + 4 साइन ओमेगा टी। मैंने कहा भाई इसकी पीक वैल्यू बताओ, बता दोगे? मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तो आरएमएस वैल्यू चाहिए। अब आरएमएस वैल्यू करते थे तो करते क्या थे, पहले स्क्वायर करते थे, फिर मीन लेते थे, और फिर जब सब कुछ आ जाता था तो ऊपर एक बड़का अंडर रूट लगाते थे। ये बात थोड़ी भूले हम, भूले हैं क्या? नहीं हम आज तक नहीं भूले। तो मैंने कहा पहले इसका स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर लो, मैंने कर ले रहा है, ये आ जाएगा 9 + 16 साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 2a भी होता है ना, 2a भी होता है ना, 6 × 24 साइन ओमेगा टी। फिर हमसे कहा गया कि भाई जी इसका मीन ले लो, और फिर लास्ट में क्या करेंगे भाई, अंडर रूट लगा दिया जाएगा, समझ रहे हैं बात को। तो आपने कहा इसका मीन ले लो, तो मैंने कहा इसका भी मीन ले लेंगे। तो 9 का मीन क्या है, 9 का मीन क्या है, 9 का, अच्छा 9 है, हाँ 9 कॉन्स्टेंट है, वो कहने लगा उसका काय का मीन पिन यार कमाल कर पंडित। तो क्योंकि अपने आपने कहा ये तो 9 ही रहेगा, और साइन स्क्वायर का एवरेज क्या था, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 था, तुम समझदार आदमी हो, साइन स्क्वायर का एवरेज 1/2 था, और साइन थीटा का एवरेज क्या था, 0। अरे यार साइन, तो ये 0 आ गया। अब हमने कहा भैया ये हो गया 8 और 9 कितने होते हैं, 8 और 9 17 आ गया। उनने कहा ये नहीं आरएमएस बताओ, मीन स्क्वायर नहीं चाहिए। हमने कहा अच्छे बेटा हमसे खेल ले, हमने कहा ले ले तुम आरएमएस तुम्हारे हवाले। कितना आंसर आ गया, मुश्किल सवाल है, पक्की बात, बढ़िया। एक सेकंड और नोट करते, ये तो मिटा दूं। ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ रहे हैं हम लोग,
है ना, अभी तक बेचारी आई नहीं, आई तो थी शुरू में, उसको भगा दिया गया है ना, बीच में पता नहीं कौन कौन आया, कि ये वाली मैच वो वाली मैच, आफत हो रखी है। ठीक है, अच्छा आप देखो ध्यान से समझेंगे अपन। अभी मैंने कहा भाई, मेरे को शायद ऐसा पता लग गया था कि जो आई इस तरह की करंट है वो साइनुसॉइडल करंट एसी कहलाती है शायद, ये तो हमको पता लग गया था, वो घुमाई थी कॉइल वॉइल अपन। तो मैंने कहा देखो भाई, इस करंट को जब शो करते ना ऐसे, आई से शो कर देते, आई से इसका सिंबल ऐसे है, मतलब ये एसी करंट या वोल्टेज को ऐसे शो करते हैं, ऐसे चुपका केंचुआ ऐसे ऊपर नीचे दिखा देते हैं। हाँ जी हाँ, मतलब एक ऐसे आप समझ जाओ, सिंबल एक रिप्रेजेंटेशन है ये तो। तो मैंने कहा ठीक है चलो कोई नहीं, अभी मैंने कहा मेरे पास एक एसी सोर्स है और उससे मेरे को क्या मिलेगा, वो उसकी वैल्यू आपको दे दी है, मान लो वी नॉट साइन ओमेगा टी, कितनी वैल्यू दे रखी, वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी उसने कहा कि इसको आपने सोर्स को आपने एक रेजिस्टेंस से जोड़ दिया इसे, और ये प्योर रेजिस्टेंस है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा भाई अगर आपने एसी सोर्स लगाया तो इसमें करंट पक्का आएगी। अब कितनी करंट आएगी, तो हमने कहा ये तो हम नहीं बता पाएंगे, कैसे बताएं, बताने के लगे हमको कैसे बताएं। अच्छा बताओ इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है, विनोद साइन ओमेगा टी। तो मैंने कहा अच्छा, तो फिर इस ए पॉइंट और इस बी पॉइंट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, विनोद साइन ओमेगा टी। तो आपने कहा ये है ओम जिंदाबाद, ये अलग बात है कि उसमें हरी नहीं है लेकिन ओम तो है। हाँ, तो अभी आपने कहा अगर आपको ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल को वो यहां पर कुछ लोग वोल्टेज वोल्टेज बोलते हैं, हमने कहा कोई दिक्कत ना है, करंट बताइए, तो आप कैसे बताओगे, आप लोगों यार इसका पोटेंशियल पता है और पोटेंशियल जो है वोल्टेज जो है वो आई इंटू आर के बराबर होगा भाई, तो आई की वैल्यू हम बता देंगे। तो मैंने कहा अच्छा ये ऐसी बात है, ठीक है। अच्छा ये तो किसमें करंट की, किसी करंट है रेजिस्टेंस की, और रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना था, आपने कहा विनोद साइन ओमेगा टी, इसमें क्या है भाई। मैंने कहा इसको जरा फेजर की नजरों से देखा जाए, किसकी नजरों से, वैसे तो ये जो है सो है, इसको आप देखो कैसे भी, अगर मैंने कहा फेजर की नजरों से देखा जाए तो बताओ करंट और वोल्टेज का फेज सेम है कि अलग अलग, तो आप कहोगे इसका फेज जीरो ओमेगा टी है, ये एंगल जो आता है इसको कहते हैं फेज, ये एंगल जो आता है इसको कहते हैं फेज, और जब टी इसमें जीरो रख देते हो तो वो इनिशियल फेज कहलाता है, ठीक है। तो हमने कहा अभी इसका फेज बताओ ओमेगा टी, इसका फेज बताओ, इसका मतलब है वोल्टेज के अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज एंड करंट का फेज सेम होगा कि ना होगा, 100%। मैंने कहा हम इसको फेजर में दिखाएंगे, किसमें दिखाएंगे, तो मैंने कहा फेजर में दिखाना है, दिखा लो एक पॉइंट ले लो एक लाइन खींच लो, खींच लिया हमने। हमने कहा भाई अब मुझे टी इक्वल टू जीरो पर फेजर बनाते हैं हम लोग नॉर्मली, ताकि कंफ्यूजन ना हो फोकट के। तो टी इक्वल टू जीरो पर अगर आप फेजर बनाओगे तो वी नॉट किधर दिखाओगे, इधर ही पक्की बात है, और वी नॉट बाई आर ये कितना है, वी नॉट बाई आर, अरे है ना ये इसकी पीक वैल्यू होगी ना करंट की, तो इसको कहां दिखाएं, इसी पे दिखाओगे ना यार, परपेंडिकुलर काय को कहने लगे सेम भैया। तो तो मैंने कहा जो करंट आएगी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो भी इधर ही आ जाएगी, और इसकी वैल्यू या तो आप आई नॉट लिखो या इसको आप वी नॉट अपॉन आर लिखो, आपकी मर्जी। तो करंट एंड वोल्टेज आर ऑलवेज इन सेम फेज अक्रॉस रेजिस्टर, ये बात अपन को याद रहेगी, अपन ने इसका फेजर ही बना लिया, पक्की बात है, ठीक है। तो हमने कहा हमारे जीवन में केवल रेजिस्टेंस थोड़ी है, अब तो हमारे जीवन में कैपेसिटर भी है कि नहीं है। तो हमने कहा ठीक है तुम्हारे जीवन में है तो फिर तुम उससे मिलो, तो मुलाकात की जाए, ठीक है, मुकालात मत करना। हाँ लोग ऐसी मुलाकात में पहले पहली मुलाकात में मुकालात हो गया, फिर दिक्कत हो जाती है भाई साहब, हाँ फिर वो जो है दोनों को हवालात हो जाते, ठीक। तो अभी ये क्या था, प्योर रेजिस्टिव सर्किट, क्या कहते हैं इसको, प्योर रेजिस्टिव सर्किट। प्योर रेजिस्टिव सर्किट, अब प्योर कैपेसिटर ले लिया जाए,
प्योर कैपेसिटिव सर्किट। ठीक है, दिक्कत तो ना है। कैपेसिटिव अब कौन सा आ गया, कैपेसिटिव। तो मैंने कहा भाई अब इस बार कैपेसिटर लगेगा, साफ बात है। तो मैंने एक एसी सोर्स इसको जोड़ दिया। एसी सोर्स के बारे में मैंने दे दिया आपको, वी इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। अब मैंने कहा भाई ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है सी। अब किसी ने कहा भाई इसमें जो है वो बताओ जरा करंट फरेंट से चार्ज तो अभी हमने कहा कि भाई सब ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, तो यहां से ए और बी के बीच पोटेंशियल, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आपको पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर पता है तो आप लिखोगे क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। वी कितना लिखे, वी नॉट साइन ओमेगा टी। मैंने कहा मुझे चार्ज पूछे नहीं था, बिना बात के बता रहे हो, मुझे करंट चाहिए यार, तो क्या करें, डी क्यू बाई डी टी। और करंट देगा फटाक से एकदम, आपने कहा यार ये ले खुश रहो, डी क्यू बाई डी टी। तो कितना आ गया ये, वी नॉट ओमेगा सी साइन का डिफरेंस कॉस, कॉस साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस के प्लस कॉस, प्लस कॉस कॉस ओमेगा टी। यहां तक कोई इशू नहीं, ठीक है, ठीक है ना। हाँ जी रुक तो जाओ, नाइन हाँ जी प्लस फाइव बाई टू कर दें, पक्की बात। ये मैंने एकदम सेम लिखा हुआ ना, ये ओमेगा सी को मैंने क्या किया है, इसको नीचे भेज दिया, और कॉस मेरे को पसंद नहीं, मैंने तो साइन में लिख दिया। किसी को इसमें कहीं भी कुछ भी गड़बड़ दिखाई दे तो बता देना मुझे, गिरूंगा नहीं मैं भी सतर्क में एकदम, ठीक है। तो अभी अच्छा एक बात बताओ, करंट में जब इसमें रेजिस्टेंस में लिखे थे तो वी नॉट के नीचे रेजिस्टेंस आया था, इसमें कौन आया, हाँ इसको लिखते थे ओम में, इसको भी ओम में लिखना पड़ेगा क्योंकि वोल्ट पर ओम जो है वो एम्पियर होता है। अरे साइन का तो कुछ है नहीं यार, साइन तो कहेगा हमारा कहेगा, हमारा कोई डायमेंशन नहीं, हमारा कोई यूनिट नहीं, हमें कहेगा बिना बात के लपेटे हो। तो जो भी है वो यहां से करंट आ रही है तो ये वोल्टेज प्रति ओम आता है, पर ओम आता है, तो इसका मतलब ये वन अपॉन ओमेगा सी जो है वो ओम की जगह आया है, किसकी जगह आया है, लेकिन ये रेजिस्टेंस नहीं है भाई, ये रेजिस्टेंस कैसे, ये कैसे रेजिस्टेंस हो सकता है ये, हैं, लेकिन ये उसकी जगह आ गया है। इसको हमने नाम रखा, हमने इसको देखा कि ये रेजिस्टेंस ने इसको भेजा अपनी जगह, तो इसका नाम हमने रखा एक्स सी। ये नाम नहीं है, सिंबल है, तो नाम क्या है इसका, इसका नाम है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रिएक्टेंस। देखो आपको किसी और से मुलाकात करा दी हमने आज, कैपेसिटिव रिएक्टेंस से मुलाकात करा दी कि नहीं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, एक्स सी, नॉट ना है यार, सी है। एक्स सी की वैल्यू क्या आ गई, वन अपॉन ओमेगा सी के बराबर, इसमें कोई दिक्कत है, अच्छा जी। फेजर बनाए यार, फेजर पक्का, तुमने फेजर बनाए, तो यहां बना दे इसकी जगह, इधर सफा कर लें, इधर सर छप गया ना इधर का, तो मैंने कहा फेजर बनाए, बनाओ के लो, चलो आओ। तो मुझे दो चीजें चाहिए पड़ती हैं, एक वोल्टेज और एक करंट। तो मैंने कहा पहले वोल्टेज बताओ क्या दिया गया था, कैपेसिटर के अक्रॉस वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट कितनी दी भाई,
वी नॉट अपॉन एक्स सी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। किसका फेज ज्यादा है? आई का फेज ज्यादा है। कितना ज्यादा है? तो ये पाई बाई टू आगे है कि पीछे है? आगे है। तो करंट आगे है कि पीछे है? अरे इससे इससे फेज में फेज में ही तो करंट आगे है। इसको बोलते हैं करंट इज लीडिंग बाय फेज एंगल पाई बाई टू। क्या बोलते हैं? हाँ, इसको दूसरे शब्दों में कुछ लोग ऐसे नहीं बोलते, वो करंट को आगे बोलना पसंद नहीं करते, बोलते नहीं वोल्टेज इज लैगिंग बाय एंगल पाई बाई टू। हमने कहा क्या है, मजाक चल रहा है, सेम बात बोल रहे। तो कैपेसिटर में करंट क्या होगी? आगे। और वोल्टेज क्या होगा? पीछे। घटेगा नहीं, घटेगा नहीं, पीछे है, पीछे रहेगा स्पीड में। इसको ऐसे समझते हैं हम, आपने वोल्टेज लगाया ऐसे समझते हैं, तो मैंने कहा वोल्टेज जैसे आप लगाओगे, मान लो कोई सोर्स लगाया आपने, तो करंट आएगी कि चार्ज आएगा? पहले फिर करंट आएगी, उसी वही तो है चार्ज का आना। करंट का आने का मतलब चार्ज का आना। अब करंट आएगी तो चार्ज जमा होएगा, चार्ज जमा होगा 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 तब जाके वोल्टेज आएगा ना। अरे यार, जैसे आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा तो पहले फोर्स आएगा, एक्सेलरेशन आएगा कि वेलोसिटी आएगी? फोर्स आएगा, मतलब पहले एक्सेलरेशन आएगा, फिर एक्सेलरेशन के कारण धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी। अरे छोड़ा तो एक्सेलरेशन तो पहले से 10 था, और वेलोसिटी लेकिन अब थोड़ा रुक के आएगी ना, और एक्सेलरेशन ही नहीं आता तो वेलोसिटी के ध्यान भी नहीं आएगी। तो हमने कहा नहीं, तुम आ जाओ, उसको हम बुला लेंगे बाद में। तो अभी इसमें करंट आएगी और चार्ज जमा होगा करंट के आने से, फिर वोल्टेज आएगा। ऐसे समझते हम लोग, अपने दिमाग में रखते कि इसमें करंट आगे क्यों है, ये अपने दिमाग में कैसे रखेंगे कि यार करंट ही नहीं आएगी तो चार्ज कैसे जमा होगा, और करंट आ रही है जैसे बाल्टी रख के, है ना, तो अब बाल्टी में पहले पानी आना शुरू होगा, फिर भरेगी ना बाल्टी। अरे जैसे मान लो सिर पे बाल्टी रख ली और नल के नीचे बैठ गए, तो पहले पानी आएगा कि पहले वजन आ जाएगा पानी का? पानी आएगा फिर वो भरेगा, फिर आपको अब आया वजन, कि पहले वजन आ गया पानी बाद में आएगा? तो ये समझना, ये समझने के लिए अब मैंने कहा चलो फेजर बनाते हैं। तो पहले एक पॉइंट, एक फिर लाइन। अब बताओ क्या करें, वी नॉट किधर दिखाएं? पक्का? तो वी नॉट इन्होंने कहा भाई जी आप इधर दिखा दीजिए, मैंने कहा ये लीजिए भाई वी नॉट इधर आ गए। अब करंट किधर दिखाएं? कहने लगे 90 डिग्री दिखा दे। तो ये करंट आपने दिखा दी, ये करंट किसकी करंट है? कैपेसिटर की करंट, और ये कैपेसिटर का वोल्टेज है। तो आप देख रहे हो करंट ऑलरेडी आ गया, पाई बाई टू का लीड है करंट के पास, कितना? और वोल्टेज रिलेटिवली लैग कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत? पक्की बात? बढ़िया जी। अब हमने कहा भी एक और बचे कौन? अरे इंडक्टर, उनको भी बुलाओ, बुलाया जाए। प्योर इंडक्टिव सर्किट, प्योर इंडक्टिव सर्किट। इंडक्टर ऐसे ही होता है ना, इस बार तो खतरा है मैं बता रहा हूं। यहां पर करंट दे दी गई आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ जी, तो यहां से मान लो कुछ करंट चल रही है, वोल्टेज कैसे बताओगे अब? वोल्टेज बताने के बाद तो मैंने कहा यार करंट चल रही तो चला लो, हमको क्या है। मैंने कहा इस पॉइंट का नाम कुछ ए रख लो। तो V इज इक्वल टू, अभी ए हो गया, ये क्या हो गया? B हो गया। तो करंट निकाल के बताओ 15 सेकंड मिले। ओ वोल्टेज, वोल्टेज, वोल्टेज 15 सेकंड। हाँ भाई, किसी ने लिखा? क्या लिखा? इंडक्टर के अक्रॉस एल डी आई बाई डी टी। कोई दिक्कत तो नहीं? एल डी आई बाई डी टी। चलो आई का डिफरेंशिएट करना पड़ेगा भाई साहब, आई नॉट ओमेगा। अच्छा इसका इसका भी तो आएगा, ओमेगा आएगा, ओमेगा भी आएगा, और कॉस आ गया, और यही आएगा पक्का? अच्छा तो कैसे लिखें? ओमेगा इनटू एल, ये आई नॉट
साइन बना रहे थे आप लोग साइन ओमेगा टी प्लस फाइव बाई टू पक्का है वोल्टेज हाँ लीड कर रहा है पक्की बात हेलो वोल्टेज लीड कर रहा है किसमें इंडक्टर में कर रहा है कैपेसिटर में कौन लीड कर रहा था और इसमें कौन लीड कर रहा है वोल्टेज लीड कर रहा है करंट पीछे है इसमें लैग कर रही है इस बात को कैसे याद रखेंगे हम कहेंगे देखो ऐसा है इसमें क्या है कि पहले आएगा डी आई बाई डी टी अरे पहले करंट में बदलाव होगा तभी तो शुरू में ये करंट सेम यहां से आपने करंट भेजिए ले लेगा क्या सेम करंट ये अपने करंट को बदलता है क्या आसानी से बदलता है ना याद रखने का तरीका बता दो ये अपने करंट को अचानक से बदलने नहीं देगा करंट भले से जीरो हो लेकिन एल डी आई बाई डी टी हो सकता है तो करंट डी आई बाई डी टी हो सकता है तो वोल्टेज तो लगा दिया आपने अब करंट जो है वो थोड़ा धीरे धीरे करके आएगी तो करंट हो जाती थोड़ी पीछे और वोल्टेज तो आएगा आगे नहीं समझते बात जैसे मैंने आपको एक सर्किट दिया था बचपन में एक मैंने इंडक्टर यहां लगा दिया मैंने कहा यहां पर एक स्विच लगा दिया अभी ये रेजिस्टेंस मान लो 2 ओम का है ये मान लो 5 हेनरी है या 3 हेनरी कर लिया ठीक है मैंने कहा ये मान लो 6 वोल्ट की बैटरी है मैंने कहा स्विच बंद करेंगे तो करंट क्या है हाँ जीरो अरे ये कहेगा भाई साहब ऐसा है कि करंट हम ना बदलने देंगे साफ बात है बदलने देगा शुरू में इसमें करंट क्या है स्विच बंद करने के तुरंत बाद इसमें करंट क्या है जीरो इसमें वोल्टेज क्या है जीरो इंटू 2 00 इसमें वोल्टेज क्या है 6 वोल्ट करंट क्या है डी आई बाई डी टी क्या है एल डी आई बाई डी टी 6 वोल्ट एल डी आई बाई डी टी 6 वोल्ट 3 डी आई बाई डी टी 2 एम्पियर पर सेकेंड तो करंट तो है यार करंट तो नहीं थी लेकिन एल डी आई बाई डी टी तो था ना अब स्विच बंद कर दिया आपने अब धीरे धीरे करंट क्या होगी बढ़ेगी तो वोल्टेज पहले आया करंट आई ये बात याद रखने के लिए याद रहेगी कि ना रहेगी रहेगी पक्का इसमें कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा इसमें कौन आगे रहेगा कौन पीछे रहेगा ये बात याद रहनी है भूलने का नहीं अब समस्या ये है कि आपने इंडक्टर के अक्रॉस जो मुझे वोल्टेज बताया V इज इक्वल टू मुझे पता है आई इंटू आर होना चाहिए साइन तो कहेगा हमारा हमसे डायमेंशन भी नहीं मिलेगा यूनिट भी नहीं मिलेगा और वोल्टेज अगर तुम आई इंटू आर लिखोगे तो आर ओम में होता है लेकिन यहाँ आर की जगह कोई और है कौन है वो ओमेगा है डब्ल्यू कब से हो गए आई कौन है ओमेगा एल तो मैंने कहा भाई यार ये जो है ना ये ओम है ओम ये रेजिस्टेंस की जगह आया है यूनिट तो इसका ओम ही रहेगा अब लेकिन इसको मैं रेजिस्टेंस तो नहीं पुकारूंगा तो मैं इसको क्या पुकारूं इसको मैंने क्या पुकारा था इसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस तो मैंने कहा भाई इसको मैं एक्स एल से सिंबल करूंगा अरे गजब तुमने कैसे नाम रख दिया इसका एकदम सही ये तो भाई साहब कमाल हो गया क्या नाम बताए इंडक्टिव रिएक्टेंस तुमको कैसे पता कि इसका नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस होना चाहिए है क्या पंडित जी के साथ रहते हैं ठीक है यहां तक बात क्लियर है फेजर बनाया जाए चलो फेजर बना तो फेजर बनाने के लिए फिक्स पॉइंट फिक्स लाइन अब मैंने कहा भाई करंट तो आई नहीं आया है करंट आए करंट किधर बनाए आपने कहा करंट एकदम बेधड़ा किधर बना दी ये करंट आ गई इसको नाम लिख दिया आई नॉट वोल्टेज किधर ऊपर ये वोल्टेज दिखा दिया आपने ठीक है इसकी वैल्यू अगर आप चाहो तो आई नॉट एक्स एल लिख सकते थे इसकी वैल्यू जैसे आप लिख सकते थे वी नॉट की वैल्यू आई नॉट एक्स सी ये नहीं समझ में आया ये आई नो टैक्सी कहां से आ गया नहीं आया पक्का नहीं आया ये कौन है जी
आई नॉट आ गया किन लिया बहुत गरीबी चल रही है भाई साहब। अरे यार इसको आई नॉट नहीं बोलोगे तो वी नॉट बराबर आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन एक्सी, तो वी नॉट कितना हुआ? इसको आई नॉट एक्सी लिख दिया यार, क्या दिक्कत है यार? ये कौन है आई नॉट? अरे तो ऐसा है ना यार, इसमें यार पेजर देख के बनाएंगे ना, एंगल देख के यार कमाल चल रहा है। उसका अपना एंगल देखो, इनका इधर अपना एंगल दे दिए। आ गई बात समझ में? पक्का है? 15 सेकंड में नोट करना। ठीक है भाई, तो आज यहीं तक करते हैं अपन, ठीक है? चलिए।